दोस्तों मैं अभी इस वक्त हूँ यमुना एक्सप्रेस वे पे और मैं यहाँ से भाई मैं खाली वाली जा रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ से कोई बुकिंग नहीं मेरी, इसलिए भाई दोस्तों मैं खाली जा रहा हूँ। और देखो भाई हाईवे पे देखो भाई कितनी भीड़ हो रही है इस वक्त भी। ओहो ओहो सो गाइस नो पैसेंजर इन माय कैब, आई अलोन जा रहा हूँ भाई खाली खाली। देखता दोस्तों रास्ते में कोई मिल जाए भाई तो भाई पिकअप कर लेंगे, रास्ते में उठा लेंगे उसको। हाईवे पे गाड़ी चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और वो भी ऐसा हाईवे हो और भाई स्पीड इतनी कम हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। आराम से भाई विंडो ओपन करके आराम से चलते रहो, मज़ा आता है। ये हमारे भाई आगे कैब वाला भी लगता है इसे कैब में कोई नहीं, इसलिए भाई ये भी अपना स्लो 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 चल रहा है किस इस उम्मीद से कि कोई ना कोई इसके बाद राइड आ जाएगी और भाई ये खाली नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों टाइम हो चुका है 9:14 तो राइड आना भाई मुश्किल है बहुत ज़्यादा, इसलिए भाई बंदा खाली खाली भाग रहे हैं और हम भी भाई खाली खाली भाग रहे हैं। दोस्तों ग्रेटर नोएडा में भाई 9 के बाद में कोई राइड मुश्किल ही आती है, अगर आती है तो वो आसपास की ही आती है और तुम्हें पता ही कि भाई मैं आसपास की राइड करता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ भाई कि लंबी लंबी बुकिंग आए क्योंकि आसपास की राइड करने में कोई फ़ायदा नहीं होता, हर कैब वाला चाहता कि भाई उसकी लंबी लंबी बुकिंग आए। तो लंबी के चक्कर में दोस्तों छोटी छोटी बुकिंग लोग मिस कर जाते हैं और हम भी मिस करते हैं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि गाइस कमाई सिर्फ लंबी लंबी बुकिंग में ही है, शॉर्ट बुकिंग में कोई कमाई नहीं है, उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। दोस्तों मुझे भी एक बंदा हाथ था भाई मुझे लिफ्ट दे, लेकिन नहीं दोस्तों नहीं रहा इस हाईवे पे इतने रात को भाई लिफ्ट देना अपने भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, तो मैंने तो भाई उसको लिफ्ट दी नहीं। और यहाँ से अभी अपना घर है 25 किलोमीटर के समथिंग अपना घर है, यहाँ से तो अभी दूर है इतना, तो चलते भाई धीरे धीरे चल रहे हैं, जाते गाड़ी में नहीं चला रहा हूँ इस उम्मीद से कि कोई ना कोई राइड मिल जाएगी रास्ते में तो खाली नहीं जाना पड़ेगा घर पे। घर पे अगर खाली जाएंगे तो भाई सीएनजी सारी अपनी ऐसी वेस्ट हो जाएगी फोकट की। और दोस्त एक एक बूंद हमारे सीएनजी बहुत ज़्यादा कीमती है हमारे लिए, एक एक बूंद भाई हमारे एक एक रुपये होते हैं, तो दोस्तों एक रुपये भाई वसूलेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है और कोई राइड आएगी नहीं। ओहो यहाँ पे कैसी स्मेल आ रही है भाई, कुछ अजीब से स्मेल आ रही है यहाँ पे, मुझे भी विंडो ओपन करना पड़ेगा, शायद कुछ कुत्ता उत्ता मर गया भाई हाईवे पे तो उसकी स्मेल आ रही थी, मैंने विंडो अपना क्लोज कर दिया। और भाई देखो लाइन भी बस भाई समझ लो, कुछ लोग भाई कुछ लोगों को लाइन का पता नहीं होता और वो गलत लाइन में चल रहे होते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। गाइस अभी मैं जिस लाइन में चल रहा हूँ ये लाइन भाई है बस की लाइन है, लेकिन भाई देखो बस वाले चलते हैं कार वाली लाइन में, तो भाई जब कार वाले लोग चलने बस वाले में तो बस वाले चलने कार वाले में, तो भाई कोई रूल फॉलो करता ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो वैसे स्लो वाले लाइन चल रहा हूँ क्योंकि भाई मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है, यहाँ पे 75 पर किलोमीटर की स्पीड है तो मैं चल रहा हूँ 60 में, इसलिए मैं एकदम लेफ्ट में चल रहा हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और दोस्तों देखो मेरे सामने गाड़ी ये भी काफ़ी स्लो चल रहा है, समझदार आदमी है, बट ये तो कुछ ज़्यादा स्लो चल रहा है, मैं कह सकता भाई 40 के स्पीड में चल रहा है, इतना भी स्लो नहीं चलना चाहिए हाईवे पे। कॉलिंग पे दोस्तों वो फ़ोन भी भेजी था किसी अपने मित्र से। और भाई वो मुझे सबसे अच्छी सड़कें भाई लगती हैं नोएडा की, भाई फरीदाबाद से और भाई गुड़गांव से सबसे अच्छी सड़कें दोस्तों नोएडा की है। इस तरीके से सारे रोड पर बने पड़े हैं, खड्डे वड्डे भी बहुत आपको कम मिलेंगे, मतलब दोस्तों भरोसा कर सकते हैं, मतलब सड़कों पे कि खड्डा नहीं आएगा,
जैसे कि भाई हरियाणा के जो सड़कें हैं भाई, कब खड्डा था कुछ पता नहीं है, गाड़ी का टायर कब भाई बस्ट बोल जाए, कब रिम टेढ़ा जाए, कहीं पे सड़क कुछ पता नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे काफी रोड अच्छा है, यमुना एक्सप्रेस रोड तो कुछ ज्यादा अच्छा है। और दोस्तों कुछ लोग भाई सोच रहे हो कि भाई मैं फोन चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, तो दोस्तों ऐसा नहीं भाई, मैं पूरे रूल भाई मैं एकदम मतलब सेफ्टी से हूँ, कुछ ऐसा नहीं कि मैं कुछ वैसे मतलब रिस्क ले रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं, आराम से चल रहा हूँ गाड़ी भाई, 60 की स्पीड में गाड़ी चल रही अपनी, और फोकस अपना सामने ही है, और लेफ्ट में भाई देख रहा हूँ, राइट में देख रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। और दोस्तों मेरे को गाड़ी चलाते तो भाई मेरे को 3 साल हो गया है, तो 3-4 साल हो गए, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इसलिए भाई मैं कर पा रहा हूँ। और शुरू में मेरे से काफ़ी ज़्यादा मेरे से गाड़ियाँ ठुकी थी, मैं भाई मुझे सीखने में बहुत टाइम लगा, लेकिन दोस्तों सीखते सीखते भाई मैं आखिर में सीख ही गया, और अभी भी मैं अपने आपको एकदम परफेक्ट ड्राइवर नहीं बोलूँगा, क्योंकि दोस्तों चाहे ड्राइवर कितना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन उससे गलती कहीं ना कहीं होती है, वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर देता है और अपने जान से हाथ धो बैठता है। तो दोस्तों सड़कों पर गाड़ी कभी भी जल्दबाजी ना करें, हमेशा तसल्ली से जाएं, आराम से जाएं। और दोस्तों ज़्यादा एक दो मिनट लेट होगा इससे ज़्यादा भाई कुछ होता, जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, जा रहे तो जहाँ है भाई हो, इसलिए कहता हूँ भाई गाड़ी चलाओ सेफ, सेफली चलाओ गाड़ी। और दोस्तों चलते चलते भाई मैं पहुँच गया हूँ सेक्टर 137 भाई, शायद 137 एडवांस की जो आपको बिल्डिंग दिख रही दूर। तो दोस्तों आप दिल्ली में अगर हो तो भाई, दिल्ली वाले हो तो आप समझ जाओगे कि भाई ये बिल्डिंग कहाँ है एडवांस की। तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, और अभी तक नो टिंग टोंग, नो ट्रेन ट्रेन कुछ नहीं बजा भाई, ना ओला, ना ऊबर, ना इन ड्राइव, भाई सवारी सब कहाँ गई, कहाँ गए हमारे साथ। तो गाइस अभी एक राइड आई थी, लेकिन वो राइड भाई किसी काम की नहीं थी, इसलिए मैंने एक्सेप्ट नहीं करी, क्योंकि वो थी गाज़ियाबाद की, और हमें जाना है दिल्ली या फिर फरीदाबाद की साइड को। तो नो मोर बुकिंग, तो चलते भाई आगे आगे और देखते क्या सीन है। भाई मुझे लग रहा है कि मुझे घर पे खाली ही जाना पड़ेगा, देखते हैं अगर कोई बुकिंग आएगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, कोई बुकिंग आई नहीं है। और ये सामने देखो वाइट बिल्डिंग है, और ये देखो बिल्डिंग भाई कितनी अच्छी भाई, इसमें लाइटिंग कर रखी है, ऐसा लग रहा भाई मैं दुबई में आ गया भाई, अपना भी देश किसी दुबई से कम नहीं हो रहा, धीरे धीरे भाई ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है अपना देश। किसने कहा दोस्तों इंडिया पीछे है, भाई इंडिया एकदम सही है, सही जगह पर चल रहा है, बस ये कि थोड़ी लोग ज़्यादा है तो थोड़ी लोगों को दिक्कत हो रही है रोज़गार में, लोगों के पास नौकरी नहीं हो रही, ये चीज़ भाई हम समझते हैं। सो गाइस अभी एक राइड और आई थी, वो थी मायापुरी की, तो दोस्तों मैं मायापुरी भी क्या करने जाऊँगा यार, मुझको अपने घर जाना है, 9:23 हो गए, तो दोस्तों मुझे अपने घर जाना है भाई, अब मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कल भाई मुझे फिर से गाड़ी चलानी है, ये तो है ना कि एक दिन काम करके फिर काम ही नहीं करना, दोस्तों कल भी काम करना होता है। ये क्या पड़ा भाई इधर देखो, ये भाई क्या पड़ा मुझे बताना कमेंट करके, ये था क्या, शायद वो भाई शायद ये था, वो था आरसीसी का, एसीसी का जो होता है भाई लेंटर वाला जो कुछ होता है जिसमें मसाला वसाला होता है, शायद वही था। खैर हमें क्या करना है, चलते हैं भाई आगे। तो गाइस कोई बुकिंग नहीं, कोई सवारी नहीं, मैं जा रहा हूँ खाली खाली घर पे, देख लो भाई कोई गाड़ी में कोई नहीं है। दोस्तों हमारे लिए खाली गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा हमको भाई भारी पड़ जाता है, हम खाली गाड़ी नहीं चला सकते हैं, हमें चाहिए भाई गाड़ी में आदमी, आदमी के भाई हम आदमी को देखते हैं पैसेंजर के रूप में भाई हमारे पैसा होते हैं, हमारे एक पैसेंजर भाई हमारे पैसा होता है। सो गाइस इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी करके यहाँ पे बिना पार्किंग लाइट के, तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर होता है, कभी भी अपनी गाड़ी खड़ी करें रोड पे तो भाई अपने पार्किंग लाइट ऑन रखें ताकि बंदा आपको देख ले, क्योंकि कई बार क्या होता है गाड़ी आपकी खड़ी होती है और भाई उनको मतलब उनको क्या मतलब मुझको भी ऐसा ना लगता कि गाड़ी चल रही है, लेकिन गाड़ी खड़ी होती है और एकदम पास आके भाई ब्रेक मारना पड़ता है या गाड़ी अपनी कटवट मारनी पड़ती है, और कई बार गाड़ी बचा नहीं पाते और गाड़ी ठुक भी जाती है। तो हमेशा भाई गाड़ी अपनी अगर खड़ी करें रोड पर तो पार्किंग लाइट ऑन जरूर करें यार।
छोटी छोटी बात को भाई ध्यान दे करो भाई गाड़ी के रूल पे भाई। और दोस्तों देखो भाई, मैंने अपने कुछ इस तरह की लाइट अपने गाड़ी में लगा रखी है। इसका भाई काम एक्चुअली ये है कि कई बार हमारे पैर के नीचे कुछ अगर होता है गाड़ी में तो दिखता नहीं अंधेरे में, तो दोस्तों लाइट मिलने तो भाई बहुत जरूरी है कि कुछ है नीचे है तो नहीं, तो इससे मतलब मार पड़ता कि कुछ नीचे है नहीं, पानी की बोतल वगैरह अगर ब्रेक के नीचे आ गई तो गाइस ब्रेक काम नहीं करेगा और फिर पता ही आपको आगे क्या होगा, बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो यार मुझे लग रहा है थोड़ी भी तो स्पीड खींचनी पड़ेगी क्योंकि 60 की स्पीड जा रहा हूँ भाई, गाड़ी पर एवरेज कम आएगा और गाड़ी गैस ज़्यादा खाएगी, तो थोड़ी मैं अपनी स्पीड भाई और खींचता हूँ क्योंकि ऐसे जाऊँगा तो भाई पंगा हो जाएगा, गाड़ी ज़्यादा फ्यूल खा लेगी और चलेगी कम। तो दोस्तों मैं अपनी मैक्सिमम स्पीड रखूँगा 70, इससे ऊपर ले जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे जगह जगह रोड पर कैमरे लगे पड़े हैं, फालतू में 2000 रुपये का चलान कट जाएगा उत्तर प्रदेश का। दोस्तों फालतू में 2000 रुपये क्यों देने हैं ना, आराम चलेंगे भाई, सबने 75 की स्पीड है लेकिन अपन चलेंगे 70 में। तो यार मैं अभी पहुंच गया भाई, अब मैं पहुंच चुका हूं सेक्टर 131, तो अभी तक भी कोई राइड नहीं है, मुझे लग रहा है कि मुझे खाली ही घर जाना पड़ेगा। दोस्तों मैं कई बार आया हूं भाई परिजों के साइड में लेकिन कभी खाली नहीं गया, लेकिन मुझे इस बार आज खाली जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम भी हो गया है और मैं ऐसे लेट भी नहीं हो सकता कि भाई घर पर जाके खाना भी खाना है, सोना भी है और सुबह जल्दी उठना भी है, फिर भाई जिम जाना है, गाइस मैं घर पे भाई जल्दी से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, रात हो चुकी है भाई काफ़ी ज़्यादा, 9:30 बज गए भाई, मेरे 9:30 बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं 9:30 से 9:30 तक काम ही करता हूँ भाई, 12 घंटे बहुत अपने लिए। और यार अब कहाँ पहुँच गए भाई, सेक्टर 126 पहुँच गए हम लोग। नोएडा M3M, दोस्तों हमारे सामने में कितना भाई कितनी खूबसूरत भाई टावर, मतलब टावर क्या बोले भाई, तो मतलब एक तो ये तो इंजीनियर का एक भाई नमूना भाई, कितना तो मस्त बना रखा है इसको यार। और देखो सामने सुपर टेक आ गया भाई, जो आपको लंबी सी जो बिल्डिंग गोल्ड वाली नोएडा में भाई, आपको मैं वो भी इसमें दिखाता हूँ, सेक्टर आई थिंक सेक्टर 95 पड़ता है ये, जहाँ पे बिल्डिंग पड़ती है सुपर नोवा की। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ऊँची बिल्डिंग है भाई, कितना फ्लोर है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता तो भाई मुझको भी कमेंट करके जरूर बताना कि कितना फ्लोर का टावर है सुपरनोवा का। दोस्तों आज तो भाई हदी होगी भाई, मैं पहुंच गया सेक्टर 95 ओखला बर्ड सेंचुरी के पास में और अभी तक कोई राइड नहीं है यार, बुरा हाल है भाई काम का। जो बंदे यार नाइट में काम करते हैं पता नहीं यार वो लोग क्या कमाते होंगे भाई, मुझे तो समझ आता कि नाइट में काम आता भी कि नहीं आता, कुछ बंदे बोलते कि भाई नाइट में बहुत अच्छा काम होता है, ओला उबर और इन ड्राइव में जो भी भाई सारे ऐप भाई खोल दो, लेकिन भाई कोई फायदा नहीं है क्योंकि भाई जब रेड नहीं है तो क्या फायदा यार। देखो दोस्तों देखो भाई मैं ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो के पास में पहुँच गया और कोई राइड नहीं है,
दोस्त देखो कितना अच्छा भाई लाइटिंग कर रखी है इस पेड़ में, मस्त लग रहा भाई, हरा पीला लाल नीला यार, सही है यार, काफी मस्त कर रखा है भाई। और भाई ये देखो इधर तुम्हारे लेफ्ट में भाई, ये हमारा है इंडिया का बुर्ज खलीफा है, देख लो भाई अपने इंडिया का बुर्ज खलीफा। तो मैं दुबई जाने की जरूरत नहीं भाई, अपने इंडिया में इतने लंबे लंबे टावर हैं, बंदे भाई फालतू में जाते हैं दुबई टावर देखने के लिए ऊंचे ऊंचे, भाई अपने नोएडा में देख लो ना इतने इतने ऊंचे ऊंचे टायर सॉरी टावर है, टायर बोल रहा भाई क्या कर रहा हूँ, गाड़ी के भाई काम करता था टायर मुझसे निकल जाता है यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों आपको मेरी बकबक कैसी लग रही है भाई, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मेरी तो भाई बकबक करने की आदत है। लो जी नोएडा पार हो गया भाई, दिल्ली में एंटर लेने वाले हैं, कोई राइड नहीं है। दोस्तों देखो ये जो भाई लेफ्ट में जो गाड़ियाँ खड़ी है ना लोडिंग वाली, दोस्तों इनका तो और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता भाई, सोचो भाई ये लोग 11 बजे से पहले दिल्ली में एंटर ले नहीं पाएंगे, और अभी टाइम हो रहा है 9:35, तो गाइस इनको भी भाई 2-2.5 घंटे और इनको वेट करना पड़ेगा, 11 बजे से ही ये लोग एंट्री ले पाएंगे। और ये तो अभी तो कुछ नहीं भाई, आगे तो और भी गाड़ी होंगी खड़ी, बुरा हाल भाई, बिना भाई पन्नी कुछ खाया होता है कि नहीं होता, कुछ पिया होता है कि नहीं होता भाई, ये लोग ऐसे खड़े रहते यार। दोस्तों हमने टैक्सी का फिर भी ठीक है इतना ज़्यादा, इसमें मतलब कुछ इसमें कुछ नो एंट्री कुछ पंगा नहीं है कि आप भाई नो एंट्री में दिल्ली में नहीं जा सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, कुछ इसमें ऐसा पंगा नहीं है गाड़ी। देखो लाइन से आपको सारे लोडिंग वाले गाड़ी वाले ही भाई मिल जाएंगे, और अभी तो कम है, अभी भाई 10-11 बजे तक में और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो यार गवर्नमेंट को इन चीज़ों के ऊपर कुछ करना चाहिए, इनकी नो एंट्री भी मतलब कुछ ऐसा काम करे कि भाई इनका नो एंट्री कभी ना लगे ना, और ये भी पूरे 24 घंटे काम कर पाए, क्योंकि दोस्तों इनका काफ़ी ज़्यादा इनका टाइम वेस्ट हो जाता है इतने में, तो ये और काम करके और पैसे भी कमा सकते हैं। तो भाई मुझे नहीं पता कि इंडिया के बाहर भी कुछ ऐसा नो एंट्री का कुछ सिस्टम है कि नहीं है, जो भाई हमारी वीडियो इंडिया से बाहर के बंदे देख रहे हो तो भाई मुझे बताना कि इंडिया में कुछ ऐसा सॉरी इंडिया के बाहर भी कुछ अगर ऐसा है तो भाई मुझे बताना नो एंट्री का पंगा कुछ है कि नहीं है। और दोस्तों देखो अभी हमें लाइन से गाड़ी है, गाड़ी खड़ी आपको दिख जाएंगी यहाँ पे, देखो भाई गिन लो भाई कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है भाई, पूरा लग रहा है कि जैसे एक पूरा ट्रेन का डब्बा खड़ा है। और अभी तो ये कम है, अभी तो भाई 11 बजे से पहले 10 बजे तक और भी गाड़ी हो जाएगी यहाँ पे आके लग जाएंगी जाने के लिए दिल्ली में सिर्फ। और दोस्तों ऐसा नहीं कि गाड़ियाँ कहीं बाहर की हैं भाई, सारी गाड़ी दिल्ली की हैं मुझे दिख रही है, देखो भाई सारी गाड़ी DL ही है, कोई गाड़ी ये नहीं कि हरियाणा की और यूपी की है, भाई दिल्ली की गाड़ी दिल्ली में एंट्री नहीं ले पा रही है, ये कैसी भाई दिखा भाई, देखो आपको दिखा वो गाड़ी भाई DL की गाड़ी है सारी। तो दोस्तों ऐसा भी होता भाई गाड़ी जिस स्टेट की जिस मतलब जगह की भाई रजिस्ट्रेशन नंबर है भाई वो अपने अपने शहर में नहीं जा पा रहा, ऐसा कैसा रूल है भाई अपने इंडिया का, ये रूल तो भाई मुझे सही लगा, इसको कुछ गवर्नमेंट भाई चेंज करना चाहिए। और गाइस एक चीज़ और है भाई, देखो ये सामने अभी टोल आ गया MCT का भाई, ये और पंगा होता भाई कमर्शियल में, लेकिन दोस्तों अपने पास कोई पंगा नहीं क्योंकि अपने पास दोस्तों MCT का पास भाई, ये पास है भाई, पास दिखाएंगे और जाएंगे, या तो इसको यहाँ पे इसको धर देंगे भाई खुद ही देख लेंगे, चिल्लाएंगे तो भाई मैं उनको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। दोस्तों मैं देख रहे थे कि बंदा जा कर रहा है, लेकिन इनको पता नहीं कि मेरे पास भाई MCT का पास है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, अगर पकड़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमदर्द अंदर कहाँ जाऊँगा मैं। तो दोस्तों मेरे पास अभी एक आदमी आ रहा है भाग के, उस्ताद पास है तभी जा रहा हूँ भाई मैं। तो दोस्तों देखा आपने वो बंदा भाग के आया मुझे रोकने के लिए, लेकिन मैंने बोला भाई पास है तो भाई पास है तो भाई पास है और क्या, जा रहे हैं अब। तो गाइस अगर मेरे पास ये पास अगर नहीं होता ना तो मेरा भाई चालान कट देता, ₹1,000 का चालान काट देते। कुछ भाई भागने की कोशिश करते हैं, उनको पकड़ के भाई उनको चालान काट देते, तो भाई भागो मत, 100 रुपये दे के जाओ, 100 रुपये भाई कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पकड़ लेंगे परेशान करेंगे आपको टाइम वेस्ट करेंगे, क्या ही फायदा यार। और भाई मैं पहुंच गया ओखला कालिंदी कुछ मेट्रो स्टेशन के भाई पास पहुंच गया, और कोई राइड नहीं है, खैर अब राइड भी राइड लेके कोई फायदा नहीं, तो सीधा भाई घर ही जाएंगे, अब यहाँ से अब राइड क्या ही लेंगे, सीधा भाई अपने घर जाएंगे। एक राइड मेरे पास आरती लेकिन वो आरती हमदर्द की,
यार हमदर्द में कहाँ जाऊंगा, मेरे को जाना है भाई अपने बदरपुर बॉर्डर के साइड में।